देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। प्रकाश बेटा है, उनका भी अंदर से हमारा ही सपोर्ट था। जो उपचुनाव होते हैं वो प्रत्याशी के चेहरे पर होता है, और प्रत्याशी के चेहरे पर अगर है तो वो उनके ऊपर है, वो पार्टी और एनडीए के ऊपर नहीं आ जा सकता। नमस्कार, SBN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नासमिन खान। समाजवादी पार्टी की बहुमत के साथ घोषी में जीत। घोषी विधानसभा सीट जीतकर अखिलेश यादव ने दावा कर दिया कि अब वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ते हुए नजर आएंगे। लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत यहाँ पर 42,000 वोटों से भी ज़्यादा हुई है। ऐसे में जो दारा सिंह चौहान थे, भारतीय जनता पार्टी से उतरते हुए नज़र आए थे, उनकी हार यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आई। अब इसी मुद्दे को लेकर तमाम लोगों के बयान यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर का बयान आता है, यहाँ पर संजय निषाद का बयान सामने आता है, इमरान प्रतापगढ़ी का बयान सामने आता है, और यहाँ पर सुधाकर सिंह का बयान भी सामने आता है। एक बौखलाहटपन यहाँ पर आपको भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए तो यहाँ पर जब जब गड़बड़ी होती है, जब जब वो चुनाव जीतते हैं, ऐसा दावा, ऐसे आरोप यहाँ पर अखिलेश यादव लगाते हुए नजर आए थे। अब समाजवादी पार्टी का जो दावा है कि लोकसभा चुनाव में भी अब उनकी ही सरकार बनती हुई नजर आएगी, वही यहाँ पर CM पद के लिए काबिज होंगे, अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहलाए जाएंगे, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है। और इसी दावे के साथ ये जो छोटा सा चुनाव था, ये चुनाव जीत कर साबित कर दिया अखिलेश यादव ने कि वो बराबरी की टक्कर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार को दे सकते हैं, और वो देते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके खिलाफ यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर उतरते हैं, ओम प्रकाश राजभर शिवपाल यादव अखिलेश यादव पर हमला दागते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई करवाने के कई बयान देते हुए नजर आते हैं, शिवपाल को भारतीय जनता पार्टी में भेजते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से घोषी की जनता ने चुनाव समाजवादी पार्टी को जिताया, वो साबित कर दिया है कि यहाँ पर वो अभी तक झूठ ही बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना है तो ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर पर क्या कुछ खुलासा होता है, क्या कुछ यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। देखिए, घोषी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि EBM विपक्ष जब हारता है तो EBM का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया है कि EBM सही है। और NDA की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ, ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। आप कर रहे थे, देखिए जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूत। यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर को सुना, उसके बाद इसका पलटवार करते हुए खुद वो प्रत्याशी उतर रहे हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को जिताया, जो घोषी में यहाँ पर जीतते हुए नजर आए। सुधाकर सिंह की बात कही जाए तो सुधाकर सिंह यहाँ पर घोषी से प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ से उतरे थे, और यहाँ पर बहुमत के साथ जीत हुई है, रिकॉर्ड तोड़ जीत यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसे में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधाकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। घोषी विधानसभा और मऊ जनपद के सारे दलों को, जनपदवासियों को, विधानसभा के जितने मतदाताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बीजेपी के प्रत्याशी सुबह से नहीं दिखे यहाँ पर, क्या लगता है? बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान सुबह से नहीं दिखे, क्या लगता है? दारा चौहान हमारे मित्र है ना, वो आपको भर दे के चले गए। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं? ये नहीं, सारी जनता के समर्थन था, पार्टी का सवाल ही नहीं कोई है, सारी जनता जब साथ है उसमें पार्टी कहां से पैदा हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि दारा से प्रकाश राजभर का जादू नहीं चला? वो प्रकाश बेटा है, उनका भी अंदर से हमारा ही सपोर्ट था। अच्छा, हाँ, आगे मत उतरिएगा, आगे में भेज दिया, आगे में भेज दिया उनको। हम क्या होते हैं भेजने वाले, यहाँ की जनता जिसको चाहे भेज दे वापस कर, हम क्या। आप जीत चुके हैं, लेकिन एक सवाल सामने आ रहा है कि आपके बेटे का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिससे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, उससे क्या कहेंगे आप? नेता के ऊपर मुकदमा, पुलिस का नेता का कितना गहरा संबंध होता है, मुकदमा नहीं दर्ज होगा तो
न पुलिस का कोई मतलब है, न नेता कोई मतलब है। जीत का श्रेय किसको देंगे? जनता को। कितने वोटों से जीते हैं? 42,672। भाजपा वाले कह रहे 50,000 वोटों से वो जीतेंगे, आपको हराएंगे। मैंने कहा कि सारे दलों का मुझको समर्थन था, पूरी जनता हमारे साथ थी, दल का कहाँ सवाल पैदा होता है? दो डिप्टी सीएम, 26 मंत्री और 60 विधायक यहाँ मौजूद थे, कैंप किए हुए थे, सब हमारे मित्र थे, सब हमारे साथ विधायक रहे, सब हमारी मदद करने आए थे। अच्छा, प्रकाश राजभर पे क्या कहेंगे? वो भी हमारी मदद की है। अब ऐसे में आपको ये बता दें कि यहाँ पर गठबंधन भी हो सकता है, और गठबंधन बहुत बड़ी चीज है। इंडिया अलायंस की जीत नजर आ रही है, खुद अखिलेश यादव का दावा साफ तौर पर नजर आया, और ये कहते हुए नजर आया अखिलेश यादव कि इंडिया गठबंधन की पहली जीत है, और यहाँ पर ऐसे ही वो तरक्की करती हुई नजर आएंगी और ऐसे ही केंद्र सरकार को मात देती हुई दिखाई देंगे। अखिलेश यादव का ट्वीट आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं, कैसे अपनी जीत का यहाँ पर खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी जीत को लेकर यहाँ पर लोकसभा के चुनाव का भी दावा करते हैं। यहाँ पर मायावती की बात कर ली जाए तो यहाँ पर मायावती भी चुनावी मैदान में अखिलेश यादव को जिताती हुई नजर आती हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जब दारा सिंह हार जाते हैं तो दारा सिंह की कमियों को गिनाने के लिए खुद उनकी भारतीय जनता पार्टी के तमाम ये मंत्री देखे जाते हैं, जो साबित करता है कि वाकई अखिलेश यादव की जो जीत हुई है वो सच की जीत है, और लोकसभा चुनाव में भी उनकी जीत होती हुई नजर आएगी। और तमाम समुदाय ने और मायावती के समर्थकों ने जिस तरीके से वोट दिया है वो सच साबित होता है। संजय निषाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। एनडीए को नाम नहीं, मैंने अभी अपने प्रेस में बताया कि जो राष्ट्रीय जो लोकसभा का चुनाव है सिर्फ नेतृत्व और पार्टी पर होता है, और प्रदेश का चुनाव होता है वो पार्टी और मुख्यमंत्री के चेहरे पर होता है, और हम लोग लगातार जीत रहे हैं, और जो उपचुनाव होते हैं वो प्रत्याशी के चेहरे पर होता है, और प्रत्याशी के चेहरे पर अगर है तो वो उनके ऊपर है, वो पार्टी और एनडीए के ऊपर नहीं आ जा सकता। अच्छा, इससे क्या दबाव पड़ेगा एनडीए पे, क्योंकि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बाद ये पहला उपचुनाव था, कोई भी पहला चुनाव था जिसमें हार हुई है एनडीए की? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आपने देखा कि हमने 3 चुनाव ऐसे भी इससे पहले जिता कर दिया और बेहतर परिणाम दिया है, और इसे कुछ नहीं देखा जा सकता। और केंद्र का चुनाव और मोदी के चेहरे का, मोदी के काम का चुनाव है, और हम लोग भारत की अस्मिता का चुनाव है, और राष्ट्रवाद पर चुनाव है, और दुनिया में एक पहचान बनाया है उसका चुनाव है, और सबको गरीबों तक अनाज पहुँचाया, मकान दिया, इलाज दिया, उनको सम्मान दिया। कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ग नहीं कह सकता कि हमारे कल्याण के लिए कोई कानून नहीं। हार की वजह क्या है? मैंने बता दिया पहले कि लोकल जो उपचुनाव होता है प्रत्याशी के चेहरे पर होता है, और प्रत्याशी के चेहरे पर था इसलिए मुझसे मकान हुआ। मैं बता रहा, मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि हमारे पास 43 गांव थे, 43, और 43 गांव में मैं से 40 में जीता हूँ, 80% वोट मिला है। 3 जो गांव जीते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता के गलत बयानबाजी की वजह से हमारे निषाद अब राजभर के बारे में राजभर भैया बताएंगे कि हम अपनी बात बताते हैं ऑन रिकॉर्ड। हमने हमारे तरफ का है चुनाव, जितना हमने वोट दिया है। निश्चित रूप से हार की समीक्षा एनडीए करेगी, पार्टी करती रहती है कि क्यों हमने, क्यों किसके है जनता की, क्योंकि तो जनता जनार्दन होती है, जनता के जनादेश सब लोग स्वीकार करते हैं, और जनता के जो है भावनाओं के अनुरूप जो चलता वही सत्ता में, तो भावनाओं का ध्यान दिया जाएगा और निश्चित रूप से सरकार उस पर समीक्षा करेगी। जैसे कि आपने संजय निषाद को सुना, उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ तारीफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ही नहीं कर रही है, बहुजन समाजवादी पार्टी ही नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ पर कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर सामने आ रही है, और सीधे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर उनकी तारीफों के पुल बांधती हुई नजर आ रही। क्या कुछ यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी और अजय रॉय कहते हुए नजर आ रहे, देखिए जरा। सत्र बुला लिया गया 5 दिन का, इतना डर है एलायंस से, इतना खौफ है, और अब कहते हैं हम इंडिया हटा देंगे। भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी की अगुवाई में संविधान सभा ने कहा था कि इंडिया दैट इज भारत, जो इंडिया है वही भारत है, जो भारत है वही इंडिया है। मैं तो जब मजाक के मूड में आता हूं तो कहता हूं कि जो मोदी है वही अडानी है, जो अडानी है वही मोदी है। इसी तरह से जो भारत है वही इंडिया है, जो इंडिया है वही भारत है। कहां कहां से बदलोगे आप, कहां कहां से हटाओगे आप? क्या पासपोर्ट से हटा दोगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया?
क्या आप ये जो नई नई नोटें हैं अभी जो नई चलाई है इन्होंने उस पर लिखा हुआ है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या फिर देश दूसरी नोटबंदी के लिए तैयार रहे? मैं तो सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई है अलायंस की वजह से, तो क्या आप दूसरी नोटबंदी करने जा रहे हैं? क्योंकि आपको नोट से इंडिया शब्द हटाना है, मेरा सवाल है ये। आधार कार्ड पर भी तो लिखा हुआ है, एम्स में भी तो इंडिया है, इसरो में भी इंडिया है, आईआईटी में भी इंडिया है, आईआईएम में भी इंडिया है, कहां कहां से हटाओगे इंडिया? इंडिया भारत है, भारत इंडिया है, क्यों अलग करना चाहते हो? क्यों बंटवारे की राजनीति करना चाहते हो? कोई खुशबू ना कोई फूल ना कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। अजय जी, घोसी में जिस तरह से गठबंधन की बढ़त हो रही है, उसको लेकर के क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं घोसी की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, वहाँ की महान जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, और अपने सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करके गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी को भारी मतों से चुनाव जिताने का कार्य किया है। अभी मतगणना चल रही है, मगर मुझे लगता है कि भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। और मैंने 26 तारीख को, 26 अगस्त को ही पत्र जारी करके, वीडियो अपना जारी करके मैंने संदेश दे दिया था कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को समर्थन करती है, और निश्चित तौर से पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमारे उसमें लगकर उनका सहयोग करें। क्या लग रहा है चुनाव में जिस तरह से आप लोगों की बढ़त देखने को मिल रही है, वो आने वाले चुनाव में भी ये जारी रहेगा? बिल्कुल, अरे आप देख सकते हैं कि भाई जो स्थितियाँ रही हैं उसमें आप उठाकर देख लेंगे कि पूरे के पूरे कांग्रेस के एक एक साथी गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, देवरिया, बनारस, सारे लोग हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी दिन रात वहाँ मेहनत करके जाकर, चंदौली के लोग, सारे लोग जाकर वहाँ मेहनत करके चुनाव जिताने का काम किए हैं। और निश्चित तौर से आने वाला जो समय है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि 2024 में अच्छे अच्छे लोगों को चुनाव हारना पड़ेगा। अब बड़े नेताओं के, इनकी कई बड़े नेताओं की जमानत जब्त होगी। जिस तरह से इंडिया गठबंधन का मजाक उड़ाया जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से, कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई नेतृत्व तो नहीं है, तो क्या ये झांकी है उपचुनाव? अब देखिए, मजाक करा बना रहे हैं तो उसका परिणाम सामने आपके आ गया, ये तब से रोज चला रहे हैं, इंडिया बनाम भारत चला रहे हैं, देख लीजिए परिणाम, देख लीजिए सामने जनता क्या पसंद कर रही है। जनता पसंद कर रही है विकास, काम, कानून व्यवस्था। मंत्री के घर में हत्या हो रही है, मंत्री के घर में उनके बेटे के पिस्तौल से भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी जा रही है, उसमें सरकार बचा रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वहाँ जुआ खेला जा रहा है, शराब पिया जा रहा है मंत्री के घर में। महिला सिपाही सरिता पटेल जो अपनी ड्यूटी कर रही थी, वो जा रही थी ट्रेन से, उसके साथ जो अमानवीकृत हुआ, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। रेल मंत्री कहते हैं कि मैंने सारे स्टेशन, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सारे स्टेशन, सारे ट्रेन हमने हाईली इक्विप्ड कर दिए, सब नए नए इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, अभी तक पहचान नहीं हो पाई कि उस सरिता पटेल की के साथ अमानवीकृत करने वाले कौन लोग हैं। वो तो हम लोग गए, तब उसका सुचारू रूप से इलाज शुरू हुआ, तब प्रशासन और सारा का सारा व्यवस्था जगा, और उसकी जो है सेवा करना शुरू लोगों ने प्रारंभ किया। अब जिस तरीके से आपने तमाम लोगों के बयान सुने, उसके बाद एक बात तो साबित हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है, और ये बदलाव अब यहाँ पर लोकसभा चुनाव तक भी देखा जाएगा। सीएम की कुर्सी यहाँ पर अब जाने वाली है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में राज करने वाले हैं, ये तो सच यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है? अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगे? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राज कर पाएगी? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।